नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। स्टार्टअप को लेकर अक्सर बड़े बड़े सपनों की बातें की जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में स्टार्टअप की दुनिया में काफी कंपटीशन आ गया है, और इसी कंपटीशन को खत्म करने के लिए कई बार बड़े स्टार्टअप्स छोटे स्टार्टअप्स का अधिग्रहण भी कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में एक दर्जन स्टार्टअप्स बंद भी हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या स्टार्टअप्स का बुलबुला फूटने वाला है? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट होंगे, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ आज हैं मिस्टर आर चंद्रशेखर, प्रेसिडेंट नैसकॉम। हमारे साथ सोम मित्तल, फॉर्मर नैसकॉम प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। राम कुमार कृष्णमाचारी, जस्ट डायल के CFO हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इस पूरे इंपॉर्टेंट मैटर पर कि क्या स्टार्टअप का बुलबुला फूटने वाला है। डिस्कशन से पहले ये रिपोर्ट देखें। आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंडअप इंडिया, ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंडअप इंडिया की योजना तो शुरू कर दी, लेकिन सवाल ये है कि क्या देश के स्टार्टअप्स मुश्किल में घिर गए हैं? हाल ही में दो बड़ी स्टार्टअप कंपनियों ने अपनी कॉम्पिटिटर दो कंपनियों का अधिग्रहण किया, लेकिन अधिग्रहण के बाद अब इन दोनों कंपनियों के बंद होने की नौबत आ गई है। ओला ने 18 महीने पहले ही टैक्सी फॉर श्योर का करीब 1300 करोड़ में अधिग्रहण किया था, लेकिन कंपनी के लिए टैक्सी फॉर श्योर की ये शॉपिंग फायदे का सौदा नहीं रही है। कंपनी अब टैक्सी फॉर श्योर को बंद करने जा रही है और 700 लोगों की छटनी भी करनी पड़ रही है। हालांकि कंपनी इसे इंटीग्रेशन बता रही है, लेकिन ये तय है कि सौदा ओला के लिए फायदे वाला नहीं रहा है। यही हाल स्नैपडील का है। स्नैपडील ने एक्सक्लूसिवली .in का 162 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया, लेकिन ये कंपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। हालांकि स्नैपडील इसे इंटीग्रेशन ही बता रही है। पिछले 8 महीनों में कई स्टार्टअप कंपनियां या तो बंद हुई हैं या फिर बंद होने की कगार पर हैं। कई स्टार्टअप कंपनियों में सैलरी देरी से मिल रही है, तो कई कंपनियों की फंडिंग रुक गई है। टाइनी ओल्ड, पेपर टैप, जू रूम्स, पर्पल स्क्वायरल, फैशनारा जैसी कंपनियां या तो बंद हो गई या फिर किसी दूसरी कंपनी ने खरीद ली। अब सवाल उठता है कि क्या भारतीय स्टार्टअप कंपनियों पर दबाव है? जानकारों का कहना है कि ओला और स्नैपडील में सॉफ्टबैंक का बड़ा निवेश है, और निकेश अरोड़ा के जाने के बाद सॉफ्टबैंक अच्छे रिजल्ट्स चाहता है, जिसकी वजह से ये कंपनियां दबाव में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्टार्टअप्स की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्विजिशंस भी होते हैं। बड़े जो स्टार्टअप्स होते हैं छोटे स्टार्टअप्स को अक्वायर करते हैं, तो अब तक के बड़े बड़े एक्विजिशन कौन से हुए हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने जबोंग को खरीदा था, एक बहुत बड़े एक्विजिशन में शुमार था ये। पर्टिकुलरली ऐसा जो एक्विजिशन था, टाइनी आउल को रोड रनर ने खरीदा। कुछ और एक्विजिशन में रोड रनर ने बाद में इसका नाम रनर रख दिया था, उसका नाम बदल दिया था। पेपर टैप अप्रैल 2016 में बंद ही हो गया था। जो रूम्स को ओयो ने खरीद लिया, ये एक और स्टार्टअप है जिसने अक्वायर किया। ओयो ने जो रूम्स को अक्वायर किया। कौन से स्टार्टअप्स फेल हुए हैं ये भी आपको बताएं। बहुत बढ़ चढ़ के शुरुआत हुई थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। पर्पल स्क्विरल कामयाब नहीं हो पाया। फैशनारा स्टार्टअप एक और था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इंटेलिजेंट इंटरफेसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। और एक्विजिशन के पीछे रणनीति क्या रही है ये भी जानते हैं। क्या कंपटीशन खत्म करने के लिए एक्विजिशन किए जाते हैं? कोका कोला ने 1993 में थम्स अप का एक्विजिशन किया था। पेप्सी से लड़ाई के लिए कोका कोला ने यह दांव चला था। ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया गया। थम्स अप उस वक्त सबसे बड़ा ब्रांड हुआ करता था। थम्स अप के अधिग्रहण से कोका कोला को काफी मदद मिली थी, और इस एक्विजिशन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा था। तो हमारे साथ जस्ट डायल के CFO राम कुमार कृष्णमाचारी हैं। सबसे पहले सर, आपसे जानना चाहूंगी, जो एक्विजिशन की जो एक स्ट्रैटेजी है, कुछ हमने आंकड़े भी दिखाए, कुछ रिपोर्ट और रिसर्च बताई है कि जब जब एक्विजिशन हुआ है, क्या ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया जाता है कंपटीशन को खत्म करने के लिए, या इसके पीछे कुछ और वजह है? नॉर्मली ये होता है कि स्केल बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है। कुछ एक्विजिशन ऐसे होते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है,
लेकिन हमारे जो स्टार्टअप सिस्टम में जो हुआ है वो अधिकरण स्केल की वजह से हुआ है. बट हम यही बताएंगे कि लुक, ये जो बिजनेस मॉडल है, ये जो बिजनेस जो एक्वायर हुआ है, आप ज्यादातर देखेंगे यूनिट इकोनॉमिक्स का बहुत प्रॉब्लम हुआ है. एंड इसके वजह से बहुत सारे जो स्टार्टअप जो एक्वायर कर रहे हैं एंड जो एक्वायर किया है, द एक्वायरर एंड द एक्वायर्ड, बोथ ऑफ देम हैविंग बिजनेस मॉडल फ्लॉड बिजनेस मॉडल प्रॉब्लम. तो आप यू नो यू कांट इमेजिन ब्रिंगिंग टू फ्लॉड बिजनेस मॉडल एंड मेक इट अ सक्सेसफुल वन. आपको पहले बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, यूनिट इकोनॉमिक्स बढ़िया होना चाहिए. एक यू नो ये जो स्टार्टअप का जो मॉडल है आज देखेंगे इतना फंडिंग मिला है. यू नो इजी एक मैं वजह बताऊंगा कि हमारा जो जो भी हुआ है ये सिस्टम स्टार्टअप सिस्टम में. जी 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 जी. इनफैक्ट हम स्टार्टअप्स के बारे में और भी क्योंकि बातें होती हैं फंडिंग को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर. शुरुआत तो स्टार्टअप्स हो जाते हैं, शुरुआत तो कर देते हैं, लोगों को हायर भी किया जाता है, लेकिन सर्वाइवल रेट कितनी है. तो तभी कहा जा रहा है कि क्या स्टार्टअप का बबल फूटने वाला है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब आईटी का बबल शुरू हुआ था तो लोगों में बहुत फ्लरिश जब हुआ था, लेकिन उसके बाद स्टार्टअप्स को लेकर भी यही बात की जा रही है. इनफैक्ट आर चंद्रशेखर, मैं आपको डिस्कशन में शामिल करूंगी. स्टार्टअप्स को लेकर कई दिक्कतें सामने आई, फंडिंग को लेकर प्रॉब्लम्स हैं. आपको लगता है ये एक प्रेशर है जो आजकल स्टार्टअप्स में है, जिसके लिए कई स्टार्टअप शुरू हुए नहीं कि बंद हो जाते हैं या मर्ज हो जाते हैं तो ले ऑफ्स हो जाते हैं और लोग अपनी नौकरी गंवा देते हैं? चंद्रशेखर जी से थोड़ी देर में बात करेंगे. इनफैक्ट हमारे साथ सोम मित्तल भी हैं, उनसे भी बात करते हैं. सर, हाल ही में कई स्टार्टअप्स ने, कई छोटे स्टार्टअप्स का एक्विजिशन किया, जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं रह पाए हैं. उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? देखिए, ऐसा है, स्टार्टअप्स का मतलब यही होता है कि 10 में से आप समझिए कि 7 तो फेल होंगे, 3 ही सक्सेसफुल होते हैं. और अगर आप यूएस का एग्जाम्पल है तो उसमें से 10% ही सक्सेसफुल स्टार्टअप्स होते हैं. और स्टार्टअप्स के जो सक्सेस का है, या तो वो खुद ही इतने बड़े हो जाते हैं कि उनका आईपीओ हो जाए, या वो किसी ना किसी कंपनी से एक्वायर हो जाते हैं, या बंद हो जाते हैं. ये 3 ही ऑप्शंस हैं एक एग्जिट के. तो एक्विजिशन किसी और कंपनी का होना, ये एक स्वाभाविक ग्रोथ पाथ है जो कि स्टार्टअप्स लेते हैं. जी सर, ये भी जानना चाहेंगे, क्या फंडिंग की समस्या अभी भी बनी हुई है? क्योंकि कुछ जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं उनका ये मानना होता है, वो ये प्रॉब्लम आगे रखते हैं कि हमारे पास तो फंडिंग ही नहीं है, हम आखिरकार कैसे आगे अपना बिजनेस जो है स्टार्टअप बढ़ाएंगे. ये प्रॉब्लम क्या अभी भी बनी हुई है? अभी ये जो फिनोमेना है करीब 3-4 साल का ही है. और इस समय जो पहले स्टार्टअप्स की फंडिंग आई, ये ज्यादातर आई जो फर्स्ट स्टेज फंडिंग है वो जो एंजल्स हैं उनसे आए, या इंडिविजुअल से आए, या फैमिली की तरफ से फंडिंग आई. और सेकेंड स्टेज जो फंडिंग थी वो आती थी स्ट्रक्चर्ड, जैसे कि वेंचर कैपिटल हैं और इनसे. तो उसके अंदर ये जरूर हुआ कि पिछले समझ लीजिए 18 महीनों में एक इसको कहते हैं हॉटिंग अप हो गया स्टार्टअप्स का, और काफ़ी सारे फंडिंग आई, बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे आई, और अब वो वैल्यूएशन गिर रही हैं. तो दोनों तरफ से खिंचावट है, क्योंकि स्टार्टअप सोच रहे हैं कि जो उनका आइडिया है वो इतना वैल्यूएबल है कि उसको ज़्यादा हाई वैल्यूएशन मिलना चाहिए, जहाँ की जो फंडिंग करने वाले हैं वो कॉशियस हो गए हैं थोड़ा. तो ये एक साइकिल है, स्वाभाविक साइकिल है. और मेरे ख्याल से 3-4 साल पुरानी एक जो स्टार्टअप का फिनोमेना है, हम लोग अभी लर्निंग फेज के अंदर हैं, लेकिन स्टार्टअप्स आर हियर टू स्टे हिंदुस्तान में. स्टार्टअप्स का, क्योंकि हमारे इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने सॉल्यूशंस हमको चाहिए, और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ही मिल पाएंगे, तो स्टार्टअप्स का फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन ये ऊंच नीच चल रहा है. राइट सर. इनफैक्ट सवाल ये भी उठते हैं कि जो सरकार का स्टैंड अप इंडिया का सपना है वो कितना कारगर साबित हुआ है, और साथ ही जो पूरा इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स का, आखिरकार उसमें दिक्कतें क्या है?